जाप्तक में आपका स्वागत है। मैं पुनीमा विश्वास, बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। कल कार्मेन्स्को बीच में टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा ओपन बीच वैली टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट को अंडमान के सभी लोगों के लिए रखा गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर भाग ले सकते थे तथा बहुत लोगों ने भाग भी लिया। इस विषय में टूरिज्म डिपार्टमेंट के राबिया जी से बात हुई। चलिए देखते हैं हमारे संवाददाता जी के साथ। आशावान 1 13 8 13। नमस्कार सनी, मैं इस वक्त हूँ कार्बिन्स्को बीच में और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वॉलीबॉल मैच हो रहा है। बीच वॉलीबॉल है, ये कार्बिन में रखा गया है टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा। तो आइए हम यहाँ बात करते हैं कुछ लोगों से। राबिया मैडम जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राबिया मैडम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैडम ये बताइए, ये जो यहाँ पे जो वॉलीबॉल मैच रखा गया है, इसका मेन मोटिव क्या है? नमस्कार सभी दर्शकगण को टूरिज्म डिपार्टमेंट के तरफ से। हमारा जो मेन मोटो है, जो स्पेशली जो बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखने का है, कि जैसे कि जैसे आप देख रहे हैं कि सारा देश, हाँ यहाँ तक कि हमारे आइलैंड भी हम आज़ादी के अमृत महोत्सव से सरोबर हैं। तो हम आवर डिपार्टमेंट आल्सो लाइक टू हैव सम लाइक टू ऑर्गेनाइज वॉलीबॉल टूर्नामेंट सो दैट एवरी टूरिस्ट हु ओवर हैव कम ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द आइलैंडर्स जो भी हमारे हैं सब बीच वॉलीबॉल में आकर पार्टिसिपेट करें और खूब अच्छा सा इंजॉय करें। जैसे कि हमारे आप देख सकते हैं कि इस बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स में 80 मैचेस खेला जाएगा, क्योंकि ये जो ये मैचेस है बहुत जो पार्टिसिपेंट्स है वो निकोबार से लेकर तरासा से लेकर यहाँ तक कि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, एनिम्स है, हमारा JNRM है, बहुत जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, सब ने अपने टीम को भेजा है, सब ने बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी किया है ताकि सभी स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस जो बीच वॉलीबॉल के दौरान विद हम हेल्प ऑफ APWD एंड PBMC हमने एक बीच प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, जिसका श्रेय हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे डायरेक्टर साहब को देना चाहूँगा कि उन्होंने ग्राउंड में आकर इस कार्यक्रम को किया ताकि एक हमारे लिए आइलैंड के लिए स्पेशली पर्यटकों के लिए एक बीच वॉलीबॉल का बीच एक गेम्स के लिए एक जगह डेवलप करवाया। तो हमारे साथ कुछ टीम भी है जो वुमेंस टीम है, महिलाओं को पीछे नहीं समझना चाहिए, भी हमारे साथ मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो यहाँ पर निकोबार टीम के हैं जो मैडम है, आपका नाम बताएंगे, उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम बताएंगे मैडम? एडलिन चौप। आप कहाँ से? निकोबार? हम निकोबार में। तो आप यहाँ पे टीम लेके आए हैं अपना? आप, मेरा टीम का नाम है थ्री ब्रदर्स सिस्टर। थ्री सिस्टर्स। तो कैसा लग रहा है आपको जो यहाँ पर बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, पहली बार अभी यहाँ में बीच में टूर्नामेंट हुआ, इसलिए हम लोग एंजॉय करा अभी। तो आप वॉलीबॉल में खेल रहे थे, आप आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। ये आप कहाँ से? आप निकोबार से? जी सर, हम चौरा की है। आप चौरा से हो लेकिन आप यहाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल आप जीते हारे हो? हारे। कोई बात नहीं, हार जीत तो होता रहता है, मैच हार जीत होना है, लेकिन आपने एंजॉय किया? जी एंजॉय किया सर। कल और कल खेलेगा हम लोग, आज हारे तो और कल होएगा और हमसे आप लोगों का मैच होगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ और भी कुछ खिलाड़ी जुड़ गए जो एनिमीज है, जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर खाली डॉक्टर नहीं बनते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में भी है। देखिए मेरे पीछे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए हम उनसे ही बात करते हैं, उन्हें कैसा लगा यहाँ पर खेल के आज। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम पीयूष शर्मा है। आपको कैसा लगा आज यहाँ पर मैच खेल? बहुत अच्छा लगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बीच पे हो रहा है, इनफैक्ट सारे अलग अलग जगह की टीम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है खेल के, काफ़ी इनफैक्ट न्यू एक्सपीरियंस है, अच्छी चीज़ है। ये जो अभी जो यहाँ पर प्रोग्राम सर रखा गया है, ये फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं यहाँ पर? हाँ जी, फर्स्ट टाइम है। तो क्या ये दोबारा बार ऐसा होना चाहिए? अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, यहाँ पर सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, हर साल हो तो बहुत अच्छी बात है।
तो आप बेसिकली आप यहीं के अंडमान से हो या बाहर? नहीं जी, मैं मेनलैंड का हूँ, उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से? आप कहाँ से हो सर? मैं यहीं से हूँ, पोर्टब्लेयर से। पोर्टब्लेयर से हो, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे होते रहेंगे। थैंक यू सर। आपका नाम बताएंगे? अभय शुक्ला है मेरा नाम। आप कहाँ से हो सर? मैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश। जॉन लगा आपको हमारा नाम? अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा है, मतलब फर्स्ट टाइम एक तो मेडिकल कॉलेज पार्ट ले रहा है इसमें, तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, होता रहेगा तो अच्छा रहेगा। हम सब इस वक्त हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी आ चुके हैं। सर आपका नाम बताएंगे? सोनू रावत। आप कहाँ से हो सर? मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ। उत्तराखंड देहरादून से। सर आपको कैसा लगा हमारा अंडमान? मेरे को अंडमान बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली अभी आया हूँ, मेरे ये कराया था किसी ने, फ्रेंड ने कराया मेरा टूर वगैरह। ये मेरे सारे ये फ्रेंड्स वगैरह भी आए हैं, मेरी वाइफ और इनकी वाइफ भी आई है। अच्छा लगा, तो पहला दिन ही है मैं यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर पे, तो अच्छा लगा यहाँ पे। बीच में आके थोड़ा जेट स्काई वगैरह भी किया हमने, बढ़िया है यहाँ। और सर आप जैसे देख सकते हैं कि आज आप आए हैं और यहाँ पर बीच वॉलीबॉल यहाँ पे रखा गया है, जो ये ऑल ओपन है, ये टूरिस्टों के लिए भी है और यहाँ के जो लोकल बंदे, जो यहाँ के लोकल रहने वाले लोगों के लिए भी है। तो आप लोगों ने भाग लेने की सोची? वही मैं सोच रहा था कि ये टूर मतलब यहाँ पे कैसे हो रहा है, तब किसी ने बताया कि ये टूर्नामेंट वगैरह चल रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि टूरिस्ट वगैरह के लिए भी है ये टूर्नामेंट। ऑल ओपन है सर ये। अच्छा, शायद आप लोग अगर कल रहेंगे तो दोबारा फिर आइएगा ज़रूर यहाँ पे वॉलीबॉल मैच खेलने। अच्छा ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए, थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।